टीचर की वैकेंसी नहीं आई, 5 से 7 साल हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सर रखने की एक कहा, बीजेपी की सरकार बनने से जितना उम्मीद था उतना लाभ नहीं मिला। इल्ज़ाम न दीजिएगा किसी एक शख्स को, मुजरिम हम सभी हैं आज की हालात के लिए। तो नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई पीएम बनने के लायक है तो योगी आदित्यनाथ जी। कहीं वैकेंसी को लेकर जो युवा परेशान, आज की युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए। ज्यादातर नेता अपराधी हैं, ज्यादातर नेता पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कुछ परिवर्तन भी आने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एनडीए के ही नितिन गडकरी को चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज पर देख रहे हैं। आज हम फिर से आ चुके हैं यूथ के बीच और जानना चाहते हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे चुनेंगे। एक तरफ है इंडिया गठबंधन तो वहीं दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन और 2024 की लड़ाई काफ़ी तेज हो चुकी है और जानना चाहेंगे कि युवा 2024 में किसे चुनेंगे और क्यों वोट देंगे। हम नरेंद्र मोदी को ही फिर से देखना चाहते हैं 2024 में भी। ऐसा क्यों? देखिए, बेरोजगार की जो बातें हैं वो तो चली रही हैं, ठीक है, मगर जो क्या कहते हैं हमारी ताकत है विदेशों में लेकर, जो क्या कहते हैं बातें बढ़ रही हैं, आगे चल रही हैं, और क्या कहते हैं साइंटिफिक चाहे हो चाहे आर्मी की क्या कहते हैं बातें हों, वहाँ चीज़ें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया में अगर किसी को प्रधानमंत्री आप देखना चाहें तो वो कौन होगा? नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कई नेता ऐसे हैं तमाम जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, आप किसे देखना चाहेंगे? नहीं, हम तो क्या कहते हैं एनडीए के ही नितिन गडकरी को चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई बने तो वो नितिन गडकरी हो जी। तो आप किसे 2024 में वोट देंगे और क्या आपके मुद्दे हैं? सर, वोट के लिए तो पर्पस हमारा कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी की सरकार 2 बार से बन रही है और हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार बनने से जितना उम्मीद था उतना लाभ नहीं मिला और आज की युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए जिससे वो अपने जीवन को सुख संपन्न के साथ व्यतीत कर सके। तो यानी आप 2024 में एनडीए के साथ नहीं इंडिया के साथ जाने वाली हैं? जी, सरकार से कोई वो नहीं है, ठीक है, सरकार मोदी जी की है, अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी को लेकर जो युवा परेशान है उसकी अगर बात करें, जैसे रेलवे की वैकेंसी हो गई, 5 साल पहले आई थी, ठीक है, अभी उनको ज्वाइनिंग मिली है, तो नई वैकेंसी जो है आने के लिए जो है हमारा, जैसे मान लिया पुलिस की वैकेंसी है, ये भी नहीं आ रही, बच्चा परेशान है, पढ़ रहा, 7-8 महीने हो गए या 5 साल हमको लगता है इसको भी लगभग हो गए, तो कहीं ना कहीं जो है बेरोज़गारी का मुद्दा जो है हमारे, देखिए हमारा तो बस कहना ही यही है कि भाई कहीं ना कहीं वैकेंसी दें और युवा जो इधर उधर घूम रहा है, ये जो परेशान है, इसके लिए कुछ करें, ठीक है। वह हमारा बस सिर्फ बेरोजगारी पर मुद्दा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जिसे लेकर यूथ नाराज है। यूथ नाराज है तो ये यूथ जो नाराज है वो क्या करेगा 2024 में? तब भी नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा? अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अगर देखा जाए तो बच्चों को अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी समेत कई नेता जो है लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। मानता हूँ राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और ये अखिलेश भी लगे हुए हैं, लेकिन इनका अभी कहीं जो है आने के चांसेस नहीं। टीचर की वैकेंसी नहीं आई, 5 से 7 साल हो रहे हैं, अब बच्चा टेट पास करके बैठा हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं युवा जो है बहुत ज़्यादा हावी है, तो कुछ परिवर्तन भी आने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, युवा कुछ भी कर सकता है 2024 में, कहीं भी जा सकता है। 2024 में गवर्नमेंट तो एनडीए के ही बनेगी, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये प्रधानमंत्री पद के लायक है या ये बनेगा, ना तो विपक्ष डिसाइड कर पा रहा है कि वो चेहरा कौन है जो सामने आके जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका सामना कर सके। जी, 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अपना पहले परिचय बता दूँ, मेरा नाम सुग्रीव मौर्य है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ प्रगतिशील व्यापार मंडल का। जहाँ तक की राजनीति की बात चल रही है, अभी 6-7 साल पीछे से अब तक अगर देखा जाए तो मैं किसी सरकार को इसलिए दोषी नहीं बनाना चाहता हूँ कि वो हमारा अधिकार तो है और नहीं भी है, अधिकार ऐसे है कि वोटर के हिसाब से अधिकार है, और इसलिए नहीं है कि हम आम जनमानस के विकास के मुद्दे पर लगभग कोई भी सरकार सही कसौटी पर नहीं आती है। अब जहाँ तक बात रही कि विकास के मुद्दे की बात है, अगर देखा जाए तो मैं 2 शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोटरों से अपने, देशवासियों से अपने, कि चुनाव के समय में हर जो है वोटर जात के नाम पर, पड़ोसी के नाम पर बढ़ जाता है।
तो मैं कहना चाहूँगा कि इल्ज़ाम न दीजिएगा किसी एक शख्स को, मुजरिम हम सभी हैं आज की हालात के लिए। अगर हम लोग विकास की बात करते हैं तो अपने क्षेत्र के उस प्रतिनिधि को हम लोग चुनें जो वास्तव में पढ़ा लिखा हो। आप अगर इतिहास उठा करके देख लीजिए, ज़्यादातर नेता अपराधी हैं, ज़्यादातर नेता पढ़े लिखे नहीं हैं। वो चुनाव जीतने के बाद में, ये बात सही है, विकास की बात तो करते हैं, लेकिन वो विकास किसका करते हैं? अपने रिश्तेदार का विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं। एक बार विधायक सांसद बनने के बाद वो कई पुश्तों का पैसा अपने तरफ कर लेता है, आइंदा वो मान लेता है कि हमारे पास एक निश्चित सैलरी हमारे परिवार के लिए आती रहेगी। हम आपके चैनल से मांग करना चाहेंगे कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि वोटर जिस हैसियत से वोट दे करके किसी को सांसद विधायक बनाता है, अगर वो क्षेत्र में सही ढंग से विकास नहीं करता है तो उनको वापस बुलाने का अधिकार भी वोटर के पास होना चाहिए। अभी आप मौके पर एक और नेताजी हैं पीले अंगोछा वाले राजभर जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप महसूस करिए कि जब वो समाजवादी पार्टी में आए थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते थे कि मैं ऐसी जगह इनको भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद जैसे वो भाजपा में आए वैसे अखिलेश जी को कहते मैं सैफ ही भेजूँगा। अरे भाई नेताजी, आप अभी कुछ दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं, और राजनीति का मतलब ये होता है देश की सेवा करना। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप सांसद विधायक बन जाएं, अपने बेटे को सांसद विधायक बना लें, आपके परिवार का विकास हो गया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आज की जनता, आज के लोग जागरूक हो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई पीएम बनने के लायक है तो योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि प्रखर व्यक्ति के रूप में अगर माना जाए तो योगी आदित्यनाथ में ही वो डिसीजन लेने की क्षमता है। नरेंद्र मोदी के बाद में जो डिसीजन लेने के बाद में अपने डिसीजन पे अड़े रहकर अपना डिसीजन लोगों से फॉलो करवा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे दंगे से लेके कुछ भी हो। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में आप ले लीजिए, जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी तो कार सेवकों पे गोली से लेके उनको मारे जाना, कई कार सेवकों की हत्या हुई है, और अयोध्या एक छावनी के रूप में तब्दील कर दी गई थी। और अभी जो मुख्य डिसीजन मानिए कि अयोध्या मंदिर भी बनना स्टार्ट हो गया है, डिसीजन भी हम लोगों के फेवर में आ गया है, फिर भी कोई दंगा नहीं हुआ। अब आदमी के तो बात छोड़िए, कोई चींटी भी नहीं मारी गई है। तो आप 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी तो बनेंगे ही बनेंगे, उनके बाद अगर कोई बने, अगर उनके बाद कोई बनता है तो वो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, आप किसे देखना चाहेंगे 2024 में? या मैं तो उसी बंदे को देखना चाहूँगा जो हमारे राष्ट्र हित में, देश हित में काम करे। जैसे कि भाजपा सरकार की नीतियों के अनुसार 370 370 और भी कई सारे जो भी बदलाव हुए हैं, जैसे कि नया अभी संशोधन हुआ है कानून में IPC CRPC वगैरह में, तो मुझको लगता है काफ़ी हद तक का ये भाजपा सरकार में मोदी जी जो हैं वो सुटेबल हैं। और उन मोदी जी के बाद अगर कोई आता है चेहरा अगर मेरी नज़र में, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनका लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग स्ट्रेटजीज होती है जो भी, वो भी एकदम परफेक्ट है। और कानून व्यवस्था को लेकर के जितने भी कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं उनमें भी उनका काफ़ी हद तक का इंटरफेयर रहता है, जो कि न्याय हित में रहता है, न्याय उचित रहता है। नहीं, अगर मोदी सरकार को जो है विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, अडानी के मुद्दे पर भी घेर रही है, और कई ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर यूथ तो नाराज़ी है। मैं बताना चाहूँगा CGI चंद्रचूड़ जी जो हमारे हैं, तो वो चाहे आप अडानी वाला मामला ले लीजिए, चाहे आप राफेल वाला मामला ले लीजिए, चाहे आप कोलिजियम वाले मामला ले लीजिए, इन सब में वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और निष्पक्ष होकर के ही जो है वो डिसीजन कोई भी देंगे, जजमेंट देंगे, जो कि हम संपूर्ण भारतवासियों को मान्य रहेगा। तो आप ये समझते हैं कि अडानी का जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगी वो जायज रहेगा, बाकी विपक्ष जो भी आरोप लगाता रहे वो निराधार है, यानी एक तरह से जब तक जांच नहीं फाइनल हो जाएगी तब तक जांच नहीं, जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है तब तक हम किस बिहाफ पे हम मतलब कि अक्यूज ठहराएंगे उनको। उस मामले की तो सेबी जांच कर रही है, रिपोर्ट जो है 15 तारीख तक सुनवाई हो सकती है। तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी की सरकार को ऐसा क्या प्लान करना चाहिए 2024 को लेकर कि जो युवा नाराज है अभी रोजगार को लेकर, क्या ऐसा तैयारी करनी चाहिए सरकार को कि नाराजगी दूर हो सके? सर, युवाओं को चाहिए नियमित तौर पर में वैकेंसी मिले ताकि वो आगे अपने भविष्य को संवार सकें। इसके लिए उनको एक कदम उठाना चाहिए कि नियमित तौर से वैकेंसी आनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो फोर्स हो या अन्य विभाग हो, उनमें नियमित तौर से वैकेंसी क्रमबद्ध तरीके से आनी चाहिए। सर,
लगातार वैकेंसी निकलती रहें, भर्तियां चलती रहें, जिससे कि यूथ की नाराजगी खत्म हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा सर अग्निवीर का है। अग्निवीर क्या सर, उसको बहाल कर देनी चाहिए सर। अग्निवीर योजना से आप समर्थन करते हैं? नो सर, बिल्कुल नहीं करते सर। मतलब अग्निवीर जो योजना थी सरकार की, एनडीए सरकार की, इसको खत्म कर देना चाहिए। नॉर्मल भर्ती जैसे आर्मी में हो रही थी वैसी भर्ती होनी चाहिए सर। फौज को मतलब एक सही मार्गदर्शन अगर कोई दे सकता है तो वो फौज है सर। फौज को मतलब सर हमें चाहिए, बंदा जो होता है सर गाँव वाला, वो चाहता है कि उसका सपना रहता है कि फौज में जाने का सर। 4 साल बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाएगा, फिर से वो नौकरी ढूंढने का फिर से तलाश में जाएगा। तो सर वो 4 साल के लिए आदमी देश सेवा नहीं कर सकता सर। कोई स्वार्थी आदमी भले चला जाएगा 4 साल के लिए, देश प्रेम में देश सेवा के लिए नहीं जाएगा सर। इसी के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। और अगर आप डेली न्यूज़ पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए। नमस्कार।